रेस्पेक्टेबल शो की इस स्पेशल ईद शो में, इसमें हम सारे सेलिब्रेशंस आपके साथ डेफिनेटली शेयर करते रहेंगे, ईद के मजे को दोबारा करते रहेंगे, आपके फेवरेट गेस्ट को यानी कि जितनी सेलिब्रिटीज स्टार्स इनसे आप मिलना चाहते हैं उनसे मिलवाते रहेंगे। दो फजूल से होस्ट मेरे साथ मौजूद है बरकत उज़्मी। बहुत काम करता है, जो जरा से उबलते हुए पानी में मर जाते हैं। अंदर की बातों का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो, आप डिस्क्लोज ना करना चाह रही हूँ। मैडम इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, जो जरा से उबलते हुए पानी में मर जाता नहीं उनकी लाशें बाहर निकालता है। ये जरा से मैंने निकाला है। या प्लीज डोंट इंटरप्शन, ओके? अच्छा मैडम, दिस इज अ फैमिली शो एनीवे, सो यू गाइस कैन नॉट टॉक। उस फैमिली का पता लगा जो शो देख रही है। अच्छा अच्छा मैडम, कोई शेर शायरी से लगाओ, कोई शेर शायरी। नहीं, ना कोई खास नहीं है, कोई भी खास, कोई एक हाथ भी नहीं। मैडम आई आस्क वेरी डिसेंट क्वेश्चन, मैडम दैट्स यू आर सिंगर, तो फर्स्ट योर सिंगिंग स्टार्ट व्हिच टाइम एंड व्हिच प्लेस? मैं तब स्कूल में पढ़ती थी और मैंने म्यूजिक चैलेंज एक प्रोग्राम होता था, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम गाया था और वो मैंने विन किया था। और मेरा जो सबसे पहला सॉन्ग था वो था वो ख्वाब सुहाना टूट गया। मेरा महबूब मुझसे रूठ गया, यही था ना? ये नहीं था भाई, मान गए। तो कौन सी क्लास में थी आप जब आपने ये पहला? मैं नाइन्थ में, मोहब्बत से बनाया गया रिश्ता मजबूत होता है या रिश्तों से की जाने वाली मोहब्बत ज्यादा मजबूत होती है? रिश्तों से की जाने वाली जो मोहब्बत है ना, उसमें ज्यादा मुझे लगता है कि वो ज्यादा एनर्जी है, उसमें बहुत सारी गलतियां जो है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो बंदा प्यार की वजह से इग्नोर कर देता है। अच्छा, लेकिन आपने तो शादी एक तरह से मोहब्बत की जो आपने बताया कि मैं स्टेज पे जा रही थी वो खड़े हुए थे, फिर मैं स्टेज पे चली गई तो वो बैठ गए, हैं? ऐसा मतलब जो भी था, जो भी भारत। अच्छा यार, तुम लोगों ने क्यों बिना वजह ड्रैग कर रहे हो शो को? चुप हो जाओ, सवाल कर रहे हो उनसे? क्या नहीं, फजूल के सवाल नहीं कर रही, कोई सवाल नहीं है। तो भाई हम लोग अदबी साहब आई, हम सब हम चाह रहे हैं फायदा उठा लें। मेरा नाम उसमें मकसूद है, मैं अदबी सवाल करूं क्या करूं? अच्छा मैडम बताइए ना, कोई ऐसा कि आप आई हैं तो हम फायदा उठा लें आपसे, गाना अगर एक अगर सुन लें तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ठीक है, बिल्कुल। आप ऐसा कोई गाना गाएं जिससे ये फायदा उठा लें, बस आप समझ गई ना? मैं ना इनका फायदा उठा लूं? नहीं, जो भी एक आर्टिस्ट है वो ये तो कभी नहीं हो सकता कि बंदा कहे ये मैं नहीं कर सकता। आर्टिस्ट ही वो है जो सब कर सकता है। यही मैं समझा, तो आर्टिस्ट सब कुछ कर सकता है, मानती नहीं है, कह रही मैं नहीं करूंगी। नहीं, वो तो अपनी मना कर रही है। नहीं, बरकत मर्जी, मर्जी और टैलेंट में फर्क है। होस्टिंग करूंगी, होस्टिंग करूंगी, हाँ। मर्जी में और टैलेंट में फर्क है। हाँ, सामने वाले की मर्जी भी तो देखे ना आदमी। ईद का मौका है, फजूल बातें बिल्कुल नहीं सुननी है मुझे। इंग्लिश में क्या कहा इन्होंने? इंग्लिश में चीप बात की। अच्छा भाभी, आप भाभी प्लीज, हमारी तरफ से तो है ना, अब ईद भी है तो क्या? हाँ, मेरा के गाने से जो है वो अब इंग्लिश वाला एनी है, कोई अपना सुना दे या किसी और का सुना दे, मैं उनसे माजरत कर लूंगा। अच्छा जी, मैं अपने ही एल्बम का गाना आप लोगों को सुना। हो बुरा ना मनाओ लोग मेरी गलता, मेरे तेनी हुण मेरा दोस्त मेरी बोल दिया, मेरी बोल दिया।
क्या बात है, क्या बात है, इसके आवाज में जादू है। माने क्या है, मैं ही बोलती, मैं नहीं बोलती, तू नहीं बोलती तो मेरा यार बोल देगा कि क्या क्या प्रोग्राम। मैं नहीं बोलती, मेरे से मेरा यार बोलता। हाँ, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता। यार बोलता, इसलिए ये कहा है ना कि मैं क्यों नहीं, मैं बोलती क्यों नहीं, क्या प्लीज डोंट इंटरप्शन द फीमेल टॉकिंग। ये इसलिए कहा है ना कि कभी कभी बदतमीजी भी करनी पड़ जाती है ना, बंदा कहे कि यार मैं नहीं बोलती, मेरे से मेरा यार। अच्छा, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो यू हम अपनी ज़बान में कहते हैं चिपकू होते हैं, पीछे लग जाते हैं, ऑटोग्राफ दें, तस्वीर खिंचवाएं, ये करें, कोई क्रेजी चिपकू ऑटोग्राफ उन्होंने हमसे नहीं मांगना तो किससे मांगना। नंबर मांगते हैं, ये तो बड़ी खास करम नवाजी है अल्लाह की, कोई आपसे विश करे कि आपके साथ वो तस्वीर बनाए, साथ हो, डेली साथ हो, हफ्ते में एक दिन भी ना हो, डेली लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं चलो आर्टिस्ट होएगा घर होएगा, घर वाले कहते नहीं आर्टिस्ट होएगा बाहर होएगा। और आगे बढ़ाने का मतलब ये था कि हमारे और मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट को इनवाइट करने का और उसके साथ हमारी ईद की सेलिब्रेशंस को भी आगे बढ़ाने का। तो अब मैं जिन तीन पर्सनालिटीज को इनवाइट करने जा रही हूँ, दी मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज, सबसे पहले तो मैं जो ज्यादा सीनियर हैं सबसे उनसे आऊंगी कि माशाल्लाह से उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ही इज डन प्रोडक्शन डायरेक्शन, ही इज इन एक्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो, बहुत ही सीनियर भी हैं, माशाल्लाह से बहुत काम कर चुके हैं, मैं नाम लूंगी आप सब पहचान जाएंगे, तो लेट्स वेलकम अयूब खोसा साहब। पाकिस्तान की अजमत को, पाकिस्तान की शान को और चार चांद लगाए हैं, तो लेट्स वेलकम फाखर महमूद।